गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, देखो इसमें अपन पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप जो है उनके IUPAC नेमिंग। ठीक है, देखो थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ मैं। अपन ने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। ठीक है, जिसमें अपन ने अल्कोहल की नेमिंग कर ली थी और अमाइंस की नेमिंग कर ली थी। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम है, मीन्स कार्बन कंटेनिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए इन फंक्शनल ग्रुप्स को अपन ने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, अब जो आज अपन फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, COOH। ठीक है, यहाँ देखो C आ रहा है ना, C मीन्स कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, प्लस सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस कम से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, मींस उसको नंबर कम से कम मिलना चाहिए, उसी से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो। तो ये कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रीफिक्स, ठीक है, अगर है तो, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑइक एसिड। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, यहाँ अपने पास में 4 कार्बन है। ठीक है, और उन 4 कार्बन में से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो देखो 4 कार्बन के लिए अब यहाँ प्रीफिक्स कोई है नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रीफिक्स वाला है बट इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, तो अपन यूज करेंगे ब्यूट। ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो एन, प्लस सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पे ऑइक एसिड। अब देखो ई एंड ओ दोनों वॉवल्स हैं तो वही सेम, ई को अपन ड्रॉप कर देंगे और इसका नेम हो गया ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें कितने कार्बन की चेन है बेटा, 6 कार्बन की चेन है और अपन को इसको कम से कम नंबरिंग देना है। ठीक है, तो इसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी तो फर्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोरो एंड 2nd सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल। क्लोरो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है तो इसको मेंशन भी पहले करेंगे, तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 4th पे, देन 4 क्लोरो, 5 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, देन ऑइक एसिड, हेक्सेनॉइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए देखो, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, एल्डिहाइड के लिए वही फार्मूला, प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब एल्डिहाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है अल, AL। अब देखो ये भी कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको भी अपन कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ कार्बन चेन कितने की हुई, 4 की, तो 4 के लिए अपन ने यूज़ किया ब्यूट, देन सिंगल बॉन्ड है तो एन, देन इसका सफिक्स हो गया अल, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेनल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 फर्स्ट इज क्लोरो एंड 2nd इज इथाइल, बिकॉज 2 कार्बन है ना इसमें तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। अब क्लोरो और इथाइल में से भी पहले कौन आ रहा है बेटा, क्लोरो आ रहा है, कौन सी पोजिशन पे है, 3rd पोजिशन पे, देन 3 क्लोरो, इथाइल ऑन द 2nd पोजिशन, 2 इथाइल, देन हेक्सेनल। ओके, देखो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। ठीक है, अब कीटोन जो होता है उसमें देखो एक चीज होती है, ध्यान से देखना, कीटोन जो होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है कीटोन का C double bond O। ठीक है, C double bond O मीन्स यहाँ इस तरफ भी इधर कार्बन चेन होगी इसमें और इस तरफ भी कार्बन चेन होगी। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप मिडल में आता है, बीच में आता है
दोनों तरफ इसमें कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक ही साइड कार्बन चेन होती है, ये देखो एंड पे आ रहा है, ठीक है। जबकि कीटोन जो होता है वो हमेशा कार्बन चेन के सेंटर में आता है, सेंटर मींस बीच में आता है, ज़रूरी नहीं बिल्कुल सेंटर में आए, ठीक है, बट दोनों तरफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितने कार्बन की चेन है, थ्री कार्बन की चेन है, थ्री के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, प्रोपेन, ठीक है। एंड प्रोपेन के बाद में यहाँ इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ओन, ठीक है। तो अब ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो प्रोपेन प्लस ओन भी लिख सकते हैं और टू ओन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ टू ओन मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि ये कीटोन है तो ये हमेशा बीच में ही आएगा, इसके दोनों तरफ कार्बन एटम ही आएंगे, ये एंड पे नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी आप अगर पोजीशन भी मेंशन करो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है उसमें कार्बन चेन कितने की है, सेवन कार्बन की चेन है। अब देखो इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको प्रेफरेंस यहीं से पहले मिल रही है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो अपन ने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग में अपने पास में कितने सब्सटीट्यूएंट्स हैं, टू सब्सटीट्यूएंट्स हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे, फोर और फाइव पे, फोर फाइव डाई मिथाइल, सेवन कार्बन की चेन है तो हैप्ट। अब ये कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो अपन ने लिखा टू ओन। अब यहाँ मेंशन करने की इसलिए रिक्वायरमेंट है कि ये थ्री पे भी आ सकता है, सिक्स पे भी आ सकता है, ठीक है, ये ना हो तो इन पे भी आ सकता है, इसलिए यहाँ रिक्वायरमेंट है कि आप इसको मेंशन करो, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नहीं था कोई और, यहाँ ऑप्शन यही था कि ये इसी पोजीशन पे आएगा, क्लियर। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है, कंप्लीट हो गए हैं फंक्शनल ग्रुप। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। कार्बन जो होते हैं बेटा वो फोर टाइप के होते हैं, वन डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन एंड फोर डिग्री कार्बन, ठीक है। क्या होते हैं देखो, ये वन डिग्री कार्बन मीन्स होता है, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर कार्बन होती है, फोर वैलेंसी होती है, ठीक है। अगर कोई भी कार्बन डायरेक्टली वन कार्बन से अटैच हो, मीन्स उसकी वन वैलेंसी तो वन कार्बन से अटैच हो और बाकी जो वैलेंसी है वो थ्री हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही हो, तो उस कार्बन को अपन कहेंगे वन डिग्री कार्बन, ठीक है। मीन्स व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन, अब ये वाला कार्बन देखो, इसकी फोर वैलेंसी है ना, ये इस साइड से कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, मींस टू साइड से कार्बन से अटैच है और बाकी टू किससे फुलफिल हो रही है, हाइड्रोजन से, तो इसको कौन सा डिग्री बोलेंगे, टू डिग्री। यहाँ इसको देखो, इधर भी कार्बन से अटैच है, इस साइड भी कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो गया, ये भी टू डिग्री हो गया, ठीक है। ये ओनली वन साइड से ही कार्बन से अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, वन डिग्री, ठीक है। मीन्स अगर कार्बन डायरेक्टली वन कार्बन से अटैच हो तो उसको बोलेंगे वन डिग्री, ठीक है। अगर वो टू से अटैच है तो उसको बोलेंगे टू डिग्री, मीन्स ये कार्बन हुआ टू डिग्री। अगर ये थ्री से अटैच है तो इसको बोलेंगे थ्री डिग्री। अगर ये डायरेक्टली फोर कार्बन से अटैच है तो ये वाला कार्बन तो हुआ फोर डिग्री, ये वाला हुआ वन डिग्री, बिकॉज ये तो वन से ही अटैच है, ये भी वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने और एग्जांपल्स दिए हैं, अब ये कौन सा डिग्री होगा, वन डिग्री, ये वाला कौन सा होगा, थ्री डिग्री, बिकॉज वन टू थ्री से अटैच है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये टू से अटैच है तो ये टू डिग्री हुआ, इसकी बात करें तो ये डायरेक्टली वन से अटैच है तो ये वन डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो एग्जांपल है ये आप खुद सॉल्व करोगे कि इसमें कौन सा डिग्री है और कितने हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है, एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑलमोस्ट सब हैं, ठीक है। देखो इनमें मैंने क्या किया है, साथ में देखो नेमिंग तुम लोगों को इनकी करनी है, ये जो स्ट्रक्चर्स बता रखे हैं ना,
अब मैंने इसमें साथ में और लगाकर इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखाने के लिए लगाए हैं कि इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेमिंग आपको इन कंपाउंड्स की ही करनी है, क्लियर। और जो आपको पहले वर्क दिया था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स जो हैं वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।